नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के कोटकला चौक के पास जन्मदिन की पार्टी पर रेस्टोरेंट से बाहर निकले दोस्तों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, एक की मौत, बाकी गंभीर घायल। तरन तारण के कस्बा चौहला साहिब में अज्ञात हमलावरों ने एक नौजवान को मारी गोलियां, नौजवान की मौके पर हुई मौत। समराला के नजदीकी गांव गहलेवान में बेटे ने अपने ही पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के कोटकला चौक के पास गत रात्रि फगवाड़ा शहर का रहने वाला एक युवक और उसके दोस्त भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। ये घटना तब हुई जब फगवाड़ा के धीरज कुमार अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए पटवारी ढाबे पर गए थे, तो वहीं पार्टी के बाद जब वे सभी दोस्त खुशी खुशी अपने घरों को लौटने के लिए पार्किंग में पहुंचे, उसी समय एक तेज रफ्तार वरना कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं इस हादसे में धीरज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाकी दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए जोहल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धीरज के दोस्तों ने बताया कि वे जन्मदिन के मौके पर अपने दोस्तों के साथ पटवारी ढाबे पर आया था और वापस लौटते समय यह दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के साथ ही कार की एयरबैग भी खुल गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को तुरंत पकड़ लिया, तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी दी कि इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और मृतक के भाई के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जी आप आए थे पटवारी ढाबे की रोटी खान पार्टी मतलब कर आए थे, जिहड़ा मुंडा की डैथ हुई है उसका बर्थडे सीगा कल, तो अज पार्टी कर आए थे, तो आप सारे दोस्त सी आए जिदा ही बाहर निकले हैं, तो असं तीन चार जने पटवारी ढाबे वाले से कुछ जो सा बाइक से उन्होंने सामने पार्किंग खड़िया सगिया, तो अद्धे जने उधर से तीन चार जने असं इधरले पासे से पता नहीं पिछों कार आई, एक वरना कार सी न्यू मॉडल की वरना सी, तो मतलब बाइक के उत्ते बैठ जाने तैयार से बैठे ही जो मुंडा धीरज सेगा तो तीन चार जने होर सके, तो जो पता नहीं एकदम ही कार बड़ी हाई स्पीड से आई आ तो हिट की इन्होंने चार पांच जन हिट हिट की, तो एक लड़की दी मतलब स्पाइन ते माइंड ते भी थोड़ा जा होया वा, तो मतलब वो तो हल एडमिट आ, बट जो मुंडा एक बाइक से सगा तो वो डैथ हो चुकी है। साडा ब्रदर सेगा वो बर्थडे सेगा कल, तो असं सिर्फ वो करके आए थे इतने, तो जिहड़ा दोषी सी फड़ लिया मौके ते, जिहड़ा मुंडा सीगा जिहड़ा कार वाला सीगा ते उहने ड्रिंक वगैरह की हुई सी, सरदार सीगा मुंडा, ते वो ता इत्थे फड़ लिया सी उन्हां नूं, मुड़ के पुलिस भी आई सी थोड़ी देर बाद, पुलिस भी आई सी, ते उहदी बनती जो कारवाई उन्हूं थाने वगैरह लै गए सी, उहदा मैडिकल वगैरह जो भी होया सीगा। रात रूप अंसर से जी तो मैंने टैलीफोन फोन लाया कि पटवारी ढाबे इलाके ना एक गड्डी ने पार्क के बाहर खड़िया हिट मारी है, तो जिन्होंने जख्मी होने करके दोनों हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, तो जितों भी मैंने टैलीफोन फोन लाया कि जो उ दाखिल करवाए थे उन्होंने एक धीरज सिरा नाम का लड़का है जिसकी उम्र 22 साल है, उसकी मौत हो गई है, तो मैं मौके पर पुज के इतने उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके भरा ने जो बयान लिखाया है उसके बयान के आधार पर असं उसकी एफ आई आर दर्ज कर रहे हैं, तो बाकी जो भी कार्रवाई है अमल की। उस तो अलावा धीरे तो अलावा हो जिदा डैथ हो गई है, तो उस तो अलावा भी किसी सट्टा लगी? हाँ एक लड़की है उसके भी मैं दादी है, वो भी सीरिया सीरिया नाम की लड़की है, तो नाल होर लोग जख्मी हुई है, तो उन्होंने भी असं बयान देखा। तरन तारण के कस्बा चौहला साहिब में दिन दिहाड़े हुए गोलीकांड से इलाके में दहशत फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने एक नौजवान को उसके घर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया। घटना उस समय हुई जब हमलावर नौजवान के घर पहुंचे और दरवाजे पर आकर आवाज लगाई। नौजवान की बहन ने दरवाजा खोला और हमलावरों ने नौजवान को बाहर बुलाने के लिए कहा। जैसे ही नौजवान बाहर आया हमलावरों ने बिना कोई देर किए उस पर गोलियां दाग दी।
तो वहीं गोली लगते ही नौजवान की मौके पर मौत हो गई और हमलावर अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेर लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों की पहचान कर ली जाएगी। डीएसपी रवि शेर सिंह ने बताया कि हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और हर एंगल से जांच की जा रही है। बाजारों वाले मतलब मम्मी ने दवाई लेके ना अंदर लम्मे पै गया वा ते मुड़ के दूजा मारा ना दूआ खड़का मैं पहले नहीं खोलिया नहीं तू जेरी खड़का ना सत्ते बाद में बड़ा जब बैठती रही हाँ कि जी दादो है गए कौन जाने सत्ते ना काम है मैं तो काम दसो की आ पर नहीं कर मम्मी नाल के दसिया मैं मम्मी ने माड़ी आवाज मार के करा दिता वा तो बाहर लगन लगे तो तीन गोलियां मार के गया मैं किट फड़ी मगर ओदी किचो तुज फड़े पर जोर पूरा लाया पर मुझे उन्हें धक्का मार के सुट गया काते आए मोटरसाइकिल दो जने किदा दे मुंडे एक मोना वा ते परदो की मतलब पाई सर ते एक कड़ा भी परना बता वा परना जिटे रहता ते मुंह सिर पता जो पीला टेल पर नहीं काते दे ओदा बन के आया ते अपना मैं धूंदी रही किचा तू करदी रही हां पर हाथ नहीं आया दादा ऐ नूं निकल गया निकल वा हरी कड़ी निकल गया एक वार सवा के 12 बजे चोला साहब दे बार बार गंडीविंड रोड से वारदात हुई है। सतनाम सिंह सन ऑफ गुरदेव सिंह ये अपने घर से मौजूद सी दुआन पछाते व्यक्ति आए तो घरों आवाज़ मार के उन्होंने बाहर जो आया तो ये गेट के गोलियां मार के कतल कर दिता। इस संबंध में असी पीड़ित परिवार का बयान नोट कर लिया। FIR दर्ज कर रहे हैं 103 BNS के दोषियों की तलाश की जा रही है। CCTV खंगाल किए जा रहे हैं। पार्टियां बना दी गई शक्की नंबर जो भी साढ़े नोटिस आए हैं वो आप ला दते हुए साइबर सैल दे विच ते तुहानू विश्वास दे रहा है कि जल्दी ये केस नूं ट्रेस करके मुलजमां दा हवाला च बंद कीता जाए। गत रात्रि समराला के नज़दीक स्थित गांव गहलीवाल में एक युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी। वहीं आरोपी प्रभजोत सिंह ने लकड़ी के डंडे से अपने पिता जसविंदर सिंह के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद आरोपी घर के दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। गांव वालों ने जब घर में जाकर देखा तो जसविंदर सिंह की लाश खून से लथपथ पड़ी थी और पास ही लकड़ी का खून से सना डंडवा भी पड़ा मिला। वहीं गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना समराला पुलिस स्टेशन को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मृतक के शव को समराला के सिविल अस्पताल भेज दिया। वहीं गांव वासी जसप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपी प्रभजीत सिंह गत साई एक तेजधार हथियार और लकड़ी का डंडा लेकर कभी घर की छत और कभी घर के बाहर खड़ा था। पहले भी उसने लगभग 28 वर्ष पहले अपनी दादी की हत्या की थी, इसलिए उन्हें संदेह हुआ कि वह कुछ गलत कर सकता है। जब गांव वाले इकट्ठा होकर उसके घर गए तो जोत अपने कमरे में बैठा था और दूसरे कमरे में उसके पिता की लाश पड़ी थी। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये दसा की यार रात मतलब तकरीबन 8 बजे का टाइम होना जी, 8 बजे के करीब यह कंधा के उत्ते जी देखता सी अपने कंधा के उत्ते जी। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 24 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਦਾਹ ਸੀਗਾ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਸੋਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੁੱਟੀਏ, ਹਾਂ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਜਦ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹੈਗੀ ਉਮਰ ਜੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਅਪਸੈਟ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮਾਪ ਮਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਹਥਿਆਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ?
ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 8:30 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਖੇਡਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਬੋਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਮਰਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਆ। ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈੱਡ 'ਤੇ, ਕਾਫੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੌਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮਤਲਬ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 50 ਈਅਰ ਹੈਗੇ ਇਹਦਾ ਮੇਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾਲ। ਇੰਜਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਇੰਜਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੈਸਟ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ, ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਮਿੱਠੂ ਬਸਤੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਔਰ ਸਸੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਤੰਗ ਆਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਸਕੀ ਬੇਟੀ ਕਾ ਪਤੀ ਵਾ ਸਸੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਉਸੇ ਦਹੇਜ ਕੀ ਮੰਗ ਕੋ ਲੇਕਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਥੇ, ਜਿਸਸੇ ਦੁਖੀ ਹੋਕਰ ਉਨਕੀ ਬੇਟੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਮਾਰਪੀਟ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀ ਜਬ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਟਰ ਮਸੀਹ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦਸਿਓ ਕੇ ਬਿਆਨੋ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੇ ਪਤੀ, ਸਾਸ, ਸਸੁਰ ਵ ਜੇਠਾਨੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੀ ਸਾਸ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਬਾਕੀ ਆਰੋਪੀਓ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੀ ਦੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਸਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਪਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰ ਸੰਨੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਰਾਤੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਭ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਮਿੱਠੂ ਬਸਤੀ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਥਾਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਵਾਲਾ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਕੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜੋ ਰੈਲੀ ਸੀ ਕਰਾਈ ਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 135 ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰੀ। ਆਪਣਾ ਸੁਣਨਾ ਵਿਕਟਰ ਮਸਤੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟਰ। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा की अगुवाई में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस द्वारा शहर में स्नैचरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस पार्टी मकसूदा चौक जालंधर के पास तैनात थी और उन्हें सूचना मिली कि पुल के पास पार्क में कुछ व्यक्ति
चोरी व मोबाइल फोन बेचने के लिए आ रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस पार्टी ने जसपाल सिंह उर्फ लवली निवासी थाना नंबर 10 मोतीनगर चलंधर, वरिंदर सिंह निवासी बोहड़ेवाला मोहल्ला मकसूदा चलंधर और पवन कुमार उर्फ पम्मा निवासी बीबी भानी फ्लैट कालिया कॉलोनी चलंधर को काबू किया है, जिनके पास से एक मोबाइल फोन, एक एक्टिवा और एक धारदार हथियार बरामद हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत थाना डिवीजन नंबर 1 में FIR दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि जसपाल सिंह के खिलाफ पहले से एक केस लंबित है, जबकि पवन के खिलाफ 2 FIR दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वरिंदर सिंह की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच की जा रही है और आगे के विवरण बाद में साझा किए जाएंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मानयोग CP जालंधर वालों जिहड़े दिशा निर्देश सानूं जारी हुए हैं, उसके अंतर्गत आपां चोरी दीआं वारदातां ते स्नैचिंग जिहड़े लुट खोह दे मामलिआं विच सानूं इक वड्डी कामयाबी मिली है। इहदे अंतर्गत डिवीजन नंबर 1 थाने विच आपां 3 दोषियों नूं काबू कीता है, कि जिन्हां विचों सानूं एक मोबाइल फोन, एक एक्टिवा ते एक दातर रिकवर होया है। फिर इन्हां ते पहले भी कोई मामला दर्ज है जी? जी, इन्हां ते पहला भी रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ IPC दे अंतर्गत इन्हां ते पहला भी चोरी ते स्नैचिंग दे परचे दर्ज हुए हैं। फिरोजपुर की SSP सौम्या मिश्रा की अगुवाई में बुरे तत्वों के खिलाफ बनाई गई टीमों ने मुखबिर खास से मिली जानकारी के मुताबिक नाकाबंदी कर 2 आरोपियों को 500 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं इन दोनों आरोपियों की पहचान हरजीत उर्फ कालू और रंजीत के तौर पर हुई है। ये दोनों आरोपी सरहदी जिला गांव राजों की गट्टी के रहने वाले हैं। वहीं SPD रणधीर कुमार ने बताया कि इन पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। उन्होंने कहा कि अभी जाँच जारी है और इससे और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। फिरोजपुर सौम्या मिश्रा जी के जोड़े निर्देश है, जो नशे के खिलाफ जो लड़ाई जी जंग चल रही है, उस विच सारी जी टीम हैगी अड्ड अड्ड फिरोजपुर जिले के अड्ड अड्ड थावे नाका ला दी। तो एक मुखबिर खास वालों जी सूचना मिली सी, उस मुताबिक एक नाका लाया सी। तो DSP डी वरिंदर खोसा जी, DSP सिटी श्री सुखविंदर जी, तो CI इंचार्ज मोहित धवन जी के टीम में एक वड्डी कामयाबी हासिल हुई, जब 500 ग्राम चिट्टे की जी कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ हीरोइन है उसकी रिकवरी हुई, नाल एक मोटरसाइकिल भी फड़िया गया। 2 जोड़े दोषी हैं आरोपी उन्होंने गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जोड़ा नाम है हरप्रीत उर्फ कालू जरा रहने वाला पिंड गट्टी राजोके का है, तो उदो बाद जरा रणजीत सिंह उर्फ गग्गी पुत्र गुरदीप सिंह आ भी गट्टी राजोके रहने वाला है, जिन्ना हजे असी पड़ताल रिकॉर्ड की है वह मुताबिक जरा गग्गी है, गग्गी उर्फ रणजीत पुत्र गुरदीप, इससे पहला भी एक थाना अमीर खास फजिलका विच कमर्शियल क्वांटिटी NDPS का परचा हैगा, रिपीट ऑफेंडर है, तो इनू हुण गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिमांड इन्हों का लिता गया, तो तफ्तीश हुण चल रही है कि ये कितों किवें जोड़ा है जो नशा है वह मंगवाते हैं, अगे का इन्हों का प्लान की सी, किनू बेचना चाहते सी। ये नाल मैं ये भी दस देव कि मानयोग SSP फिरोजपुर सौम्या मिश्रा जी के जोड़े निर्देश है, उस मुताबिक अड फाइनैशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया गया, उन्होंने SI ज्योति जी लीड कर दी, तो CI की टीम तो ज्योति जी की टीम मिलकर जोड़े ये दोषी आरोपी ने इन्हों की जी प्रोपर्टियां है संपत्ति जे इन्हें नशा वेच के बनाई है उन्होंने भी वेरीफाई कर बाद प्रोपर्टियां भी जी है अटैच कराई जाएगी। सर कितों आई सी हीरोइन, ड्रोन के जरिए आई है कि आ? तो देखो ये तफ्तीश का विषय, बट मुडली जी तफ्तीश है उस मुताबिक तो आए लग रहा जी। जंडियाला कुरुग में गत रात्रि 3 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लुटेरों की ओर से एक रेस्टोरेंट में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं इस घटना की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक रेस्टोरेंट मालिक जो कि अपने रेस्टोरेंट में रात्रि 10 बजे अपनी रोजाना की सेल को गिन रहा था कि इस दौरान मुंह बांधे हुए 3 नौजवान रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और हथियारों की नोक पर उक्त लुटेरों द्वारा रेस्टोरेंट में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि देर रात वे अपना रेस्टोरेंट बंद कर घर जाने ही वाले थे कि इस दौरान मुंह बांधे हुए 3 नौजवान आए। इनमें से एक नौजवान ने उसकी कमर में रिवॉल्वर या कोई अन्य हथियार लगा दिया।
जिसके बाद लगभग 25,000 रुपयों की नकदी और 2 मोबाइल फोन लूटकर भी मौके से फरार हो गया। वहीं जब इस संबंध में थाना चुंडेरा की SHO इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी और से ज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल ली जा रही है ताकि लुटेरों का पता लगाया जा सके। जल्द ही लुटेरों को काबू कर लिया जाएगा। चंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सर कल 10:05 का टाइम, ठीक है सर, ते तीन बंदे आए से मूव लेटिया से, उन्होंने मूव लेटिया से, तीनों बंदे आए, एक मेरा स्टाफ मैंबर ही, एक मैं हाँ, दो जने हाँ उस टाइम, तो अपना मेरा जो स्टाफ मैंबर ही वह बाहर गेट वाल जाता पाया, उन्हें गेट में हाथी लाया तो उधरों तीन बंदे आए, उन्हें गेट में धक्का मारा तो मेरा स्टाफ मैंबर इधर साइड से हो गया, वो जो दो बंदे सीधा मेरे आए हाथों बाई होने लग पे, तो मेरे को जो मेरे हाथ कैश ही कैश खोलिया, तो गले का जो कैश ही सारा कैश लै गया सर, कैश सर 25,000 रुपया कैश ही, नाल दो मोबाइल लैके गए। नहीं सर पिस्टल जो उन्होंने पहला आके मेरे इतने लाया ही, बाद में दोनों आके हाथों पाई कर लग पे। हाँ जी हाँ जी सर, वो अपने तरफ पूरी कार्रवाई डे कर सर, पुलिस कहती भी जल्द तो जल्द मुजरिम फड़े जाएंगे भाई। हाँ जी सर, उन्हें बारे सर अपन कुछ नहीं नॉलेज, असी सर की मंग, असी तो यही कहेंगे जल्द तो जल्द जो अपराधी फड़े जाने। बस देखो FIR दर्ज कर दिती है, साड़ी तफ्तीश चलती है, हुण भी साड़ियां टीमां लगियां होईयां वा अलग अलग एंगल तो टैक्निकल तरीके नाल इहनू बहुत जल्द ट्रेस करके दोषी सख्त कार्रवाई की। इहदे च 3 आदमी सीगे जी, तकरीबन आइडेंटिफाई हो गए ने, ते साड़ियां टीमां जिहड़ियां पिछे लगियां होईयां जल्द इहनां दा अरैसट करके ते कार्रवाई कर। बस तफ्तीश आ जी हुण जिहड़ियां हैगियां लागे छाके जितने भी साडे CCTV कैमरे हो टेक्निकल साइबर सेल सारे दी हेल्प ना ही कार्रवाई कर रहे हैं। अमृतसर के मजीठा रोड पर स्थित स्काई जेट नामक स्पा सेंटर में पुलिस ने रेड कर मालिक सहित महिला को काबू कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 5 लोगों को राउंड अप किया है। तो वहीं SHO हरमनजीत सिंह ने बताया कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर में जिस्म फिरोशी का काम चल रहा है, जिसके बाद छापेमारी कर इस मामले में पकड़े गए मालिक शक्ति शर्मा और उसके साथ काम करने वाली महिला राजविंदर कौर के खिलाफ केस दर्ज किया। इनके खिलाफ इनके अलावा 5 और लोगों को राउंड अप किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर वे गलत पाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने बताया कि पूछताछ में राजविंदर कौर ने बताया कि वह पिछले 2 वर्ष से स्पा सेंटर को चला रही है। अमृतसर से हलचल की जी सुनील खोसला की रिपोर्ट। मजीठा रोड के श्री गुरु हर राय साहब जी के गुरुद्वारे के नेड़े स्पा सेंटर से स्काई जेट उत्ते रेड की गई है। उतों मेनली तो जोड़ा वो बालक आ राजविंदर कौर तो वो जो साथी शक्ति शर्मा जोड़ा सी इन स्पा तो चला रहा है, तो नाल ही इतने वो सैक्स रैकेट भी चला रहा है, धंधा भी चलवा रहा है। ये 2 मेन जोड़े ने इन दोषियों से FIR लॉन्च हुई है, तो बाकी जोड़े ने उन्होंने उत्ते वेरीफाई करके जो बनता होगा कानून मुताबक कार्रवाई की। एक राजविंदर कौर ते एक जिहड़ा उहदा साथी ओनर जिहड़ा शक्ति शर्मा। ये तो हुण ये पता लगा कि पिछले 2 साल तो इत्थे स्पा सेंटर चला रहे सी। जलंधर के नकोदर चौंक स्थित पासपोर्ट ऑफिस के पास बने फुटपाथ पर नगर निगम ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस इलाके में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण के चलते यातायात जाम की समस्या बनी हुई थी, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम को कम करना और फुटपाथ को सही रूप से बहाल करना था। इस कार्रवाई के तहत निगम ने फुटपाथ पर बनी कई दुकानों और अस्थायी संरचनाओं को हटाने के लिए डिच का उपयोग किया। तो वहीं दुकानों के अलावा कई रेहड़ी पटरी वालों का सामान भी हटाया गया। ये कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई इलाके में भारी हंगामा खड़ा हो गया। दुकानदारों और रेहड़ी वालों ने निगम के इस
कार्रवाई का विरोध किया और इसे अपनी रोजी रोटी पर हमला बताया। तो वहीं जब इस कार्रवाई के बारे में संबंधित एसडीओ से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस विषय पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अधिकारियों का कहना था कि ये कार्रवाई शहर की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक थी, लेकिन व्यापारियों और आम जनता को इसके लिए तैयार नहीं किया गया था, जिसके कारण इतना तनाव पैदा हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर में शिक्षा विभाग की ओर से जोनल नंबर 1 से संबंधित जोनल खेलों के अंतर्गत लड़कों व लड़कियों की बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृत के एमवी स्कूल टांडा रोड की देखरेख में स्थानीय हंसराज स्टेडियम में 22 अगस्त से 24 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। इन 3 दिवसीय खेलों का शुभारंभ संस्कृति के एमवी स्कूल के प्रधानाचार्य व मुख्य आयोजक रचना मुंगा और मुख्य बास्केटबॉल तकनीकी अधिकारी अनूप ने किया। तो वहीं इस अवसर पर स्कूल खेल विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, निर्मल सिंह, अमरजीत व चांद भंडारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बालिका खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्हें बढ़ चढ़कर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अंडर 14 आयु वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने पहला, यूपीजे रामामंडी ने दूसरा व आईवीवाई वर्ल्ड ने तीसरा। अंडर 17 आयु वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने पहला, ब्रिटिश ओलिविया ने दूसरा व आईवीवाई वर्ल्ड ने तीसरा। अंडर 19 आयु वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने पहला, यूपीजे रामामंडी ने दूसरा व आईवीवाई वर्ल्ड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो वहीं समापन समारोह पर ओवरऑल पहले स्थान पर रहे दिल्ली पब्लिक स्कूल, दूसरे स्थान पर रहे एपीजे व तीसरे स्थान पर रहे आईवीवाई वर्ल्ड स्कूल को जिला खेल अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब स्कूल खेडां नाल संबंधित जोनल गेम्स जड़ियां के शुरू हो चुकिया ने। अज असीं इत्थे जोन नंबर 1 दे नाल संबंधित असीं बहुत ही धन्नवाद करदे हां जोन नंबर 1 दे प्रधान ते सकत्तर साहब दा, जिन्हां ने संस्कृति कैंबी नूं जोन दे जिहड़ी बास्केटबॉल खेडां ने, खास करके लड़कियां दा अज जिहड़ा मैच हंसराज स्टेडियम विखे हो रहा, तो सानू डिपार्टमेंट तो बहुत ही सहूलत मिली है, खास करके अनूप जी जिहड़े कि चीफ कोच ने, और उन्होंने नाल असी अज इत्थे लड़कियां दा 14, 17, 19 दा मैच इत्थे करवाया है, जिहदे विच लगभग 15 स्कूलों के 200 बच्चे पार्टीसपेट कर रहे हैं, और खास करके ब्रिटिश ओलिविया, एपीजे स्कूल, आईवीवाई वर्ल्ड, संस्कृति कैंबी स्कूल, इन्हां सारयां दे खिडारियों ने इत्थे सवेरे तो लैके हुण तक पार्टीसपेट किया, और वधिया तरीके दे नाल ये टीमां जो उन्हां नूं रिप्रेजेंट करनगियां, इदां असीं सोचदे हां, और असीं अपने वल्लों बहुत ही वधिया सुविधावां दित्तियां ने। सो असीं धन्नवाद करदे हां इहदे नाल ही उन्हां सारयां खिडारियों दा, खास करके ऑफिशियल दा जिहड़े वख-वख स्कूलों तों साडे इत्थे पहुंचे ने, और खास करके डीएसओ साहब दा जिन्हां ने सानूं इह ग्राउंड दित्ती और इत्थे मैच करवाउण च सानूं सहयोग दित्ता, धन्नवाद। प्रज्ञा ब्रिटिश ओलिविया टीम को रिप्रेजेंट करके अंडर 17 कैटेगरी में हम लोग खेले और हम सेकंड पोजीशन लाए। हमारा मैच डीपीएस के साथ पड़ा और हमारा स्कोर था 10-15, एंड मैं यहाँ पर सभी का थैंक यू करना चाहूँगी बिकॉज बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, स्पेशली डॉक्टर प्रदीप सर का और मिस्टर अनूप कुमार का भी, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और सारी टीम्स बहुत अच्छा खेली, एंड थैंक यू सो मच। मैं हरलीन डीपीएस टीम को रिप्रेजेंट करन आई सी अज हंसराज स्टेडियम, तो अज का जो एक्सपीरियंस सी बहुत वधिया सी। मैं अंडर 17 कैटेगरी विचों खेडे हाँ। मैं जैसमिन डीपीएस स्कूल नू रिप्रेजेंट करन अज बास्केटबॉल ही हंसराज स्टेडियम आए हैं, तो असी फाइनल मैच ब्रिटिश ओलिविया तो 15-10 तो जीत गए। फैसिलिटी बहुत वधिया सीगी। माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्बा पिंड चौंक जालंधर में माँ बंगला मुखी चुके नियमित श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। तो वहीं सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान गौरव मदान से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में सपरिवार आहुतियां डलवाई गई। वहीं हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति उपरांत आए हुए भक्तजनों से अपनी बात कहते हुए सिद्ध माँ बंगला मुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित माँ भक्तों को कहा कि जीवन में नीति और नियत के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि जब हम अच्छे मन से कोई काम करते हैं तो हमारे सभी काम पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब हम जीवन में कई बार काम को ठीक ढंग से करने का प्रयास करते हैं तो वे पूरा नहीं हो पाता है, तो हम इसके लिए ईश्वर को जवाबदार मानते हैं। जबकि जीवन में जब भी कोई काम करें तो उसमें अगर हमारी नीयत सही होगी तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जीवन में सही नीति और सही नीयत से ही हमें सफलता मिलती है।
इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर सरोज वाला, समीर कपूर, अमरिंदर कुमार शर्मा, बाबा हरिचल विशाल, अश्विनी शर्मा, सुनील चक्की, नवीन कुमार ठाकुर, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारी का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बगला मुखी माता जी का बहुत साची दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमः। आज मां बगला मुखी धाम जो कि बिलमोर सिटी स्थित है, मां के भव्य मंदिर के अज महामई की कृपा के नाल सप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ संपन्न होया। बड़ी दूरों दूरों आई संगत ने महामई के दरबार से मत्था टेकया और महामई तो झोलियां अड के अरदास बेनतियां कीतियां। महामई उन्हां दा आया होया जिहड़ा चाला है या उन्होंने जिहड़ा हवन यज्ञ अहुतियां डालियां वो स्वीकार करन। साडी बारंबार महामई के चरणों च यही अरदास बेनती है, जगदंबा जिहड़े भाव नाल वी तुहाडे दरबार से तुहाडा बच्चा आवे वो झोलियां भर के खुशियां दीआं लै के जावे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहुंदा ऐतवार इस रविवार नूं वड्डा हवन यज्ञ है, सारिआं ने सब परिवार पहुँच के हवन यज्ञ च शामिल होना है और महामई का आशीर्वाद लेना है। जिहड़ा जिहड़ा मासिक संपूर्ण फलदायी हवन यज्ञ है रविवार को सवेरे 9 बजे तो 11 बजे तक हुंदा है और कोई भी उच्चा के महामई की कृपा के नाल अहुतियां डाल सकता। आप भी आओ अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुँच के महामई का आशीर्वाद। जिकारा बगला मुखी माता जी का अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बगला मुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दुमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया। तो वहीं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के अश्विनी यादव ने बताया कि ये हवन यज्ञ श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर एवं गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी की प्रेरणा से हर सप्ताह करवाया जाता है। वहीं भक्तों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर विश्व की मंगल कामना की गई। इस अवसर पर श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर, गुरु माता नीरज रतन सिकंदर, देवेश राम सिकंदर, पंडित चक्रदेव जोशी, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की महिला विंग की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, मीना जैन, ममता, नविता, नीना जैरत सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर दरबाग नगर एक्सटेंशन ग्रोवर कॉलोनी जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम सुबह माँ बंगलामुखी जी के हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के संचालक हैप्पी बाबा ने आए हुए यजमानों से विधिवत मंत्रोच्चारण कर हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाल यज्ञ को सम्पन्न करवाया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान प्रवीण कतियाल, हैप्पी बाबा, आचार्य विजय शास्त्री, विकी विज, बब्बा वंगुराल, शौरी विज, कृष, अमित गुजरात, अजय नारंग, सिमरन भल्ला सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारा भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के कोटकला चौक के पास जन्मदिन की पार्टी पर रेस्टोरेंट से बाहर निकले दोस्तों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, एक की मौत, बाकी गंभीर घायल। तरन तारण के कस्बा चौहला साहिब में अज्ञात हमलावरों ने एक नौजवान को मारी गोलियां, नौजवान की मौके पर हुई मौत।
समराला के नजदीकी गांव गहलेवाल में बेटे ने अपने ही पिता की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।